कुरुक्षेत्र विधानसभा का वजूद मिटाने के लग रहे आरोप। आरएसपुरस विलय के प्लान पर बीडीसी चेयरमैन के साथ पंच सरपंच उतरे सड़कों पर। राजौरी के त्रयाच इलाके में एक ही रात में 13 दुकानों में सेंधमारी का सुलझा मामला। पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। बाड़ी ब्राह्मणा में खातिरदारी के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले किया चोर। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे कुंद होने लगी कोरोना की धार। 24 घंटों में 547 नए मामले आए सामने। 7 मरीजों ने हारी महामारी की जंग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में सुजीतगढ़ विधानसभा का वजूद मिटाने की सिफारिश के विरोध में अब पंचायतों के प्रतिनिधि भी सड़कों पर उतर आए हैं। सुजीतगढ़ के बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह की अगुवाई में सुजीतगढ़ विधानसभा की कई पंचायतों के पंच सरपंचों ने आज सीमावर्ती चक्रोही इलाके में प्रदर्शन कर सुजीतगढ़ विधानसभा का आरएसपुरा में विलय करने के लिए हो रही तैयारी की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग सुचेतगढ़ की पहचान मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और उसे इस मसौदे पर दोबारा विचार करना होगा। तो हमें इस बात का बड़ा रोष है, हमें बड़ा दुख है कि हमारी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 4 बार जहां एमएलए इलेक्शन हुए, 96 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई थी, बनी थी, नहीं बनी थी, तो हमारे स्वर्गीय एमएलए चौरी चुनीलाल जी ने बड़ी एफर्ट्स के साथ बड़ी मुश्किल से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी। तो आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने के बढ़ाए इन्होंने हमारी सीक्रेट कॉन्स्टिट्यूंसी काट दी है, उसका नाम ही काट दिया है। हमारे साथ इतना बेइंसाफ हुआ है कि हमें समझ नहीं आ रही हम करें तो करें क्या। कम से कम हम चाहते थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी इधर से गिरा के थोड़ी आरएसपुरा से थोड़ी बिछा के तो नैया बनाते, लेकिन चलो इन्होंने रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं तैयार की है, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हमारी का तो नाम ही इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है, हमारा तो कोई पहचान नहीं रही, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टाइटल ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो आज हम इसी चीज को लेकर हम ये जो प्रोटेस्ट किया है, ये जो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन से और माननीय एमपी जुगल किशोर शर्मा जी से कि इसको जो ड्राफ्ट उनको सौंपा है उसको गहराई से देखें और उस पर विचार करें और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बहाल करें। परिसमन आयोग के अंतरिम रिपोर्ट के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है। पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू में प्रदर्शन करते हुए इस रिपोर्ट को भाजपा के दिमाग की उपज करार देते हुए इसे फौरी तौर पर रद्द करने की मांग की। पार्टी के राज्य प्रधान रोमराज मजोत्रा ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट को दिल्ली के भाजपा कार्यालय में तैयार किया गया है जिसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। तो ये समझता हूं कि ये जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की जो ड्राफ्ट प्रपोजल है ये किसी बीजेपी के दिल्ली कार्यालय में बैठ करके बनाई गई है और उन्हीं को खुश करने के लिए एक बीजेपी के इलेक्शन एजेंडा जो है उनकी जो मोटिव है उसी को पूरा करने के लिए जैसे बीजेपी के लोग चाहते थे उसी के मुताबिक इन्होंने सारा जो बाउंड्रीज की डिमार्केशन की है ये सरासर गलत की है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम कमीशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो ड्राफ्ट प्रपोजल है इसको रिव्यू किया जाए। राजौरी के त्रयाठ इलाके में एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं बल्कि एक ही रात में 13 दुकानों में सेंधमारी कर वहां से माल उड़ाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि चौथा अभी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और राजौरी के एडिशनल एसपी अमित वर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन चोरों ने त्रयाठ के मुख्य बाजार में दिसंबर महीने में 13 दुकानों में चोरी की थी जिनसे चोरी किया गया कुछ सामान बरामद कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पकड़े गए तीनों चोरों से पूछताछ के दौरान एक अन्य चोरी का मामला भी सुलझ गया है। एफर्ट्स की वजह से ये केस अब क्रैक हो चुका है। इसमें इन्वॉल्व 4 बंदे हैं जिनमें से 3 हमारी कस्टडी में हैं। इन चारों की डिटेल मैं आपको देना चाहूंगा। एक है फयाज अहमद सनफ अब्दुल मोहम्मद सदीक आरो ग्राट कालाकोट, दूसरे हैं सरफराज अहमद सनफ जमील अहमद, ये भी घराट कालाकोट के रहने वाले हैं। तीसरे हैं मोहम्मद सलीम सनफ मोहम्मद यूसुफ आरओ डांगरी तहसील राजौरी के रहने वाले हैं और चौथा शख्स अफ्तार हुसैन सनफ मोहम्मद इकबाल
आरो द्राट कालाकोट, ये जो चौथा शख्स है ये स्टिल अब्सकॉन्डिंग है, इसको ढूंढने के लिए हमारी टीम्स ऑन जॉब हैं। इन सब की कस्टडी से फिलहाल जो कुछ उन्होंने उस दिन लिया था उनमें से कुछ ये पैसे वाले हार होते हैं, चार हार मिले हैं, कुछ वॉचेस हैं, रिस्ट वॉचेस जो शॉप से मिली थी, और कुछ मेमोरी कार्ड्स हैं, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कैश भी इनसे रिकवर हुआ है। इसी में मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, इन चारों एक्यूज में से तीन एक्यूज हमारे एक और चोरी के इंसिडेंट में शामिल थे, जिसकी जो कालाकोट की जेडी में हुआ था दिसंबर की शुरुआत में ही, एफआईआर नंबर 4/2022। तो ये दोनों केस सक्सेसफुली सॉल्व हुए हैं। इसमें जिला सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा के साथ सटे रत्नोचक इलाके में स्थित एक मकान में चोरी करके भागे दो चोरों को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। लोगों ने पहले तो इन दोनों चोरों की जमकर खातेदारी की और उसके बाद इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सांबा, विजयपुर, रामगढ़ और बाड़ी ब्राह्मणा व इसके आसपास के इलाकों में पिछले कई समय से चोरों का बोलबाला है और ये कई दुकानों के साथ साथ बड़े बड़े शोरूम व मकानों को भी अपना निशाना बना चुके हैं। अब इन दोनों चोरों के पकड़े जाने से चोरी की गई वारदातों के मामले सुलझने की उम्मीद बंदी है। सवेरे सवेरे 10 बजे कुछ घर ये ताला तोड़ी है, अंदर बड़ी है, बेचारा जो समान सुना वगैरह लेके निकली है, उससे टाइम ने बच्चे सारे एफिड करिए, बच्चे एक चोर पकड़ा गया, लगा रहा दुबई पकड़ लिया है। तो अस ये चाहने हैं कि जरा ये साल खंड की नी चोरी बेचारी बढ़ चुकी है ना, इनसे नजर रखने की जरूरत है। और लोगों भी मैं यही आखना चाहना कि जरा उपरा बंदा कोई अपने इलाके आंदा कोई नजर आंदा वो तकिया जरूर करो, कोई पिज्जा वाला करो ता ही बच सकते, बाकी पुलिस भी घर का सारा फिरनी नहीं है। साला अपना फर्ज बनता है कि साला ग्रां लोकल इलाके च कोई नवा बंदा ओ तकिया करो। जम्मू कश्मीर में कोरोना की धार अब धीरे धीरे कुंद होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से भी कम हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा मुहैया करवाए गए आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 547 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। और उधर जम्मू जिले में बुधवार को जहां 184 मामले सामने आए थे, वहीं आज ये संख्या कुछ घटकर 176 हो गई है। उधर श्रीनगर जिले में आज 103 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और कुल मिलाकर जम्मू सूबे में आज 307 जबकि कश्मीर संभाग में 240 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। उधर जम्मू संभाग में चारवा कश्मीर में 3 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई है। और अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में 2000 से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है और ये पूरी तरह से स्वस्थ है। जम्मू कश्मीर में जनाधार बढ़ा रही अपनी पार्टी के कुंभे में और इजाफा हुआ है और जम्मू के गांधीनगर विधानसभा हलके की कई महिलाओं ने आज अपनी पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी नेता नम्रता शर्मा सहित अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। बहुत सारी महिलाओं ने अपनी पार्टी का दामन थामा है और हमने इनको विश्वास दिलाया है कि जिस विश्वास के साथ ये इस पार्टी में आई हैं, हम उनका विश्वास बनाए रखेंगे और बढ़ चढ़ के लिए हम पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो काम करेंगे, पर विशेषकर महिलाओं पे जो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि महिला के विभिन्न इश्यूज जो सामने आ रहे हैं उस पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी काम करेगी। और इन सब लोगों ने, मुझे लगता है इन सब लोगों के आने से पार्टी को एक विशेष बल मिला है, पार्टी आगे बढ़ने में इन सब की बहुत योगदान रहेगा। पार्टी को घर घर तक पहुंचाना है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को आने वाले समय में जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि इस पे बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमें उस पे खड़ा होना। नम्रता जी, डोडा में आज पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता कैंप विवादों में घिर गया है। इस कैंप का आयोजन विभाग द्वारा पशुपालन व्यवसाय से जुड़े लोगों तक केंद्रीय योजनाओं को पहुंचाना था, लेकिन इस कैंप में मौजूद कई डीडीसी सदस्यों व पंचायतों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उनके इलाकों के लोगों को आज तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है और यह आरोप लगाते हुए कुछ सदस्यों ने इस कैंप से बैकआउट भी किया है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जहां जहां भी पॉसिबल है किसानों को जो है अच्छी नस्ल की गायें दी जाएं और उसके लिए एक सब्सिडी और एक उसको यहां पर दूध अगर होता है तो उसकी वेल मैनेजमेंट, उसकी पैकिंग, उसको कैसे जो है मार्केट में लाया जाए, दूध खराब ना हो और किसानों को 10 किलो दूध 5 किलो दूध बेचने के लिए मार्केट में नहीं आना पड़े, उसके लिए वहां पर सोसाइटीज को जो है बनाया जाए और वहां से लोग जाकर वहां से वो दूध
कलेक्ट करें और यहां से फिर उसको पैकिंग दी जाए और वो फिर मार्केट में बिके। और जैसे कि गर्मियों में आप देखते हैं कि जब हमारे गुज्जर भाई नीचे से पंजाब से यहां पर आते हैं तो एकदम यहां पर दूध की कीमत गिर जाती है और जिससे हमारा किसान जो है वो डिमोरलाइज हो जाता है। रियासी ब्लॉक पोनी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भारक स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आज नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया और डॉक्टर विजेता व स्टाफ ने एक शिविर के माध्यम से हर उम्र वर्ग के लोगों को तंबाकूनोशी से होने वाले नुकसान की भी जानकारी दी और उनसे नशामुक्त भारत का निर्माण करने में सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में भी अब अंतर्कलह चरम पर पहुंच चुकी है और पैंथर्स पार्टी के कार्यकारी समिति द्वारा हाल ही में लिए गए कुछ फैसलों को पार्टी के ही कुछ नेताओं ने मानने से साफ इंकार कर दिया है। पैंथर्स पार्टी के महासचिव नीरज गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अंतर्कलह का स्वयं सबूत दे डाला। उन्होंने बताया कि कार्यकारी समिति द्वारा पार्टी सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह की गैर मौजूदगी में कुछ फैसले लिए गए हैं जो किसी भी सूरत में मान्य नहीं होंगे। उनके दिल्ली से वापस लौटने पर उनकी मौजूदगी में कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठक होगी और इसमें लिए गए फैसले ही लागू किए जाएंगे। फैसला कुछ नेताओं द्वारा ये कहा गया कि वर्किंग हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो जसपाल कुंडल जी हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं जब तक हमारे प्रोफेसर भीम सिंह प्रेसिडेंट हैं, जब तक वो ठीक हालात में हैं, स्वस्थ हालात में हैं और जब तक हमारी वर्किंग कमेटी पूरी डिसाइड नहीं कर करती कि वही हमारे प्रेसिडेंट वो हैं 2024 तक ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट को चुन रखा है, जब तक वो खुद इस्तीफा ना देते, जब तक वो खुद कहे नहीं तब तक कोई भी आर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वर्किंग जो मीटिंग में फैसले लिए गए कुछ नेताओं द्वारा उसको पैंथर्स पार्टी सिरे से नकारती है। जब तक हमारी पैंथर पार्टी की वर्किंग कमेटी की पूरी वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो जाती तब तक ये फैसला जो है वो नागवारा है। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर भर की स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए करवाए जा रहे विकास कार्यों की जगह जगह पोल खुल रही है। प्रशासन पर भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका है कि आम लोग भी अब अपने आप को असहाय महसूस करने के साथ साथ उन नेताओं को भी कोस रहे हैं जो इन विकास कार्यों के उद्घाटन के समय फोटो खिंचवाने और इन रद्दी विकास कार्यों का श्रेय लेने से भी गुरेज नहीं करते। जम्मू शहर के बीचों बीच चौक चबूतरा और पकाडंगा बाजार में हाल ही में ब्लैक टॉपिंग करवाई गई थी, लेकिन आज आलम यह है कि इन बाजारों की हालत ने भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरों पर कालिक पोत दी है जो लंबी ताने सोए हुए हैं। जगह जगह से उखड़ चुकी ब्लैक टॉपिंग कई हादसों का सबब बन रही है और दो पहिया वाहन चालक यहां आए दिन अपनी हड्डियां तुड़वा रहे हैं। दुकानदारों की दुकानें भी धूल मिट्टी जमा हो रही है जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि स्मार्ट सिटी की लंबी लंबी ढींगे हांकने वाली जम्मू का डिप्टी मेयर का आवास भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है और उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे जितना भी है सब पत्थर जो बाहर आ रहे हैं। मेरा डिप्टी मेयर मैडम से यही रिक्वेस्ट है, जब के डालने आए थे तो वो यहां पे ओपन करने आ जाते हैं जी हमने डलवाई है। आपने तो डलवाई है लेकिन वो डली जैसे है, अच्छी डली नहीं डली वो देखना तो उनके काम है ना। यहाँ पे रोज 10-2-4 बंदे 3-4 बंदे स्लिप हो रहे हैं और इतनी इतनी मिट्टी है हमारे दुकान बीच में आ रही है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पे आइए, दौरा कीजिए, देखिए क्या प्रॉब्लम है, तो जो हमारी प्रॉब्लम वो दूर की जाए। देखिए ऐसा है, ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया स्मार्ट सिटी का, हमें ये समझिए ऐसी स्मार्ट सिटी बनेगी ये, जैसे रोज कोई गिर ही रहा है। चौक से लेके नीचे तक चले जाइए आप, कितनी बुरी हालत हो चुकी है। मुझे नहीं समझ आती कौन सी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ये। इनको खुद देखना चाहिए कि जो ठेकेदार है या कोई भी काम कर रहा है वो मटेरियल क्या लगा रहा है, उसकी गुणवत्ता चेक करो कि क्या है, सही है कि नहीं है। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आ रही है कैसे ऐसे ही हवा में ही काम होते हैं सारे जी गवर्नमेंट के, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है स्मार्ट सिटी, जो सिस्टम है कि रोज कोई ना कोई इधर गाड़ी स्कूटर या अपना स्कूटर या कोई चलते चलते स्लिप होता है। हमने एक दो बार मैसेज भी भेजा था बट ये देखियो आपके सामने ही है, अभी कितने महीना भी नहीं हुआ जी लुक डाले हुए, तो ये हालत होगी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये अपने इसमें पत्थर निकलने शुरू हो गए हैं, स्लिपरी इतनी है कोई साफ नहीं। आज भी आप दुकानों में देखोगे एक एक घंटे बाद दो दो घंटे बाद इतनी इतनी काली मिट्टी जम रही है, हालांकि लुक जो होती है आपको पता है कि एक बार पड़ जाए सेट हो जाए उसके बाद उसकी मिट्टी
उसका कुछ वो हम उसको केरी बोलते हैं, केरी नहीं निकलती, बट अभी भी देखोगे साइड में अगर आप कैमरे से भी दिखाओगे तो इतनी काली मिट्टी है कि दुकानों के किताबें हैं, कोई उनके फर्श हैं, सब बिल्कुल काले हो चुके हैं। तो हम यही अपील करते हैं कि इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी एक इंक्वायरी बिठाई जाए कि ये क्या है। अगर आप देखोगे अभी भी उखड़ना शुरू हो गया हो, दोबारा इसको ठीक करो कि अपना यहाँ ऊपर इसके ऊपर एक दोबारा वो कोई ऐसे आता है इनके पास अगर कोई अपना सिस्टम जिससे कारण उखड़ना जो बंद, अभी पाँच महीने मतलब पाँच क्या एक महीना नहीं हुआ है, अगर ये हालत है एक साल बाद हम देखेंगे तो क्या हालत हो जाएगी बाजार। सुरों की देवी कही जाने वाली स्वर्गीय लता मंगेशकर के निधन से देश विदेश में उनके चाहने वाले गमगीन हैं और उनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। जम्मू में आज लोक गायकों के एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बच्चों के अलावा अन्य लोक गायकों ने स्वर्गीय लता द्वारा गाए गए नगमों को पेश कर उन्हें नमन किया और उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांगी। कुछ वेल गल गाई दी ओडू रंगी दे ललारी आ तू मला तू लोग भन्न ठीकरिया बदम भन्ने तू, शायद इन्नी सरल भाषा च जा साड़ी प्योरिटी च अज तक साढ़े डोगरे कुहा नहीं गाए होने जिन्हें लता जी ने गाई उड़िया के ऐसा पकड़ सारिये भाषा च। लेकिन मां सरस्वती का दिन बसंत पंचमी वाले दिन उनका शरीर जाना मैं समझना कि उनका गै स्वरूप हा, मां सरस्वती का गै जरा इस युग च आए और भारत रत्न जरा सब सर्वश्रेष्ठ रत्न जरा सा अवार्ड है उसी हासिल करने वाली वो महिला ही हाँ। मैं उन्हें बहुत श्रद्धा सुमन अपनी श्रद्धांजलि जी अर्पित करना। और ये सब लोग प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी के वो लोग हैं जो समझते हैं और दर्द रखते हैं समाज का कि लता जी की कंट्रीब्यूशन क्या रही। 92 ईयर एज में 50,000 से ज्यादा गाने गाए, 30 लैंग्वेजेस में गाने गाए और पूरी दुनिया आज उनको ट्रिब्यूट दे रही है। इससे बड़ा जो एक पीस का, अमन का, प्यार का सिंबल पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखा, मैं समझता हूँ हम सबको उनके फुटप्रिंट्स में चलना चाहिए और इसी तरह भारत का नाम रोशन करना चाहिए। एनएसयूआई की जम्मू कश्मीर इकाई ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले कॉलेजों के स्टूडेंट्स को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई का कहना है कि स्टूडेंट्स की परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से लिए जाने के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें अंधेरे में रख रहा है। एनएसयूआई के राज्य प्रधान सन्नी परिहार ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाया और उपराज्यपाल से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए स्टूडेंट्स को राहत पहुंचाने की मांग की। और रजिस्ट्रार के साइन थे कि हम जो है आपके पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवाएंगे और उनकी वीडियोग्राफी में भी जो है साफ तौर से उन्होंने ये साफ तौर से आश्वासन दिया है कि हम जो है आपकी जो है पेपर्स को जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के छात्रों को उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया और अगले दिन नोटिस जब आया तो वो कुछ और निकला। तो हमारी अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील है कि आज भी विश्वविद्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन जारी है, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के छात्रों को जल्द से जल्द इंसाफ दें और जिस प्रकार बाकी विश्वविद्यालयों में चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें आप, बाबा गुलाम शाह की बात करें, एनआईटी कश्मीर की बात करें, उसी तरीके से उनकी भी परीक्षाओं को जल्द से जल्द ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए। जम्मू के सबसे पुराने सरकारी स्कूलों की फेहरिस्त में शुमार मुबारक मंडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ और यहां पढ़ने वाली छात्राओं को पेश आ रही दिक्कतों का जल्द समाधान कर दिया जाएगा। स्कूल की नवनियुक्त प्रिंसिपल पूनम शर्मा ने आज वार्ड नंबर 1 की पार्षद व जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा को इन दिक्कतों से अवगत करवाया और पूर्णिमा शर्मा ने आज स्कूल का दौरा कर वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने और कुछ नए विकास कार्य करवाने की बात कही। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।